तो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जो कल रात में लाइव एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके टाइम मैं यहीं पर था। दूर दूर तक खाली पानी है। हे दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माई न्यू व्लॉग। तो मेरा कल का व्लॉग जाकर देख सकते हो। मैं आया हुआ हूँ झारसुगुड़ा उड़ीसा, और मेरी गाड़ी अभी खाली नहीं हुई है। देख लो, मैं बस स्टैंड के जस्ट सामने में हूँ। अभी चलते हैं नाश्ता करने। तो सुबह का 10 बज चुका है और अभी गाड़ी भी खाली नहीं हुई है। मैं अपना रस्सी तिरपाल जो कि मोड़ के रख दिया हूँ, और अभी गाड़ी देखते हैं और कितना टाइम लगेगा खाली होने में। खाली करवा के तड़फड़ निकलते हैं। जब तक चलते हैं, कुछ खा के आऊँगा। क्या है, कल रात में मैं कुछ खा नहीं पाया था, बहुत तेज़ भूख लग रहा है। अभी चलते हैं फटाफट खाना खाने के लिए। खाना तो नहीं खाऊंगा, अभी कुछ नाश्ता करके आते हैं, फटाफट चलते हैं। जब तक गाड़ी देखते हैं खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो गाड़ी को आप जाके धुलवाना ही पड़ेगा मेरे को, तो लॉक कर देता हूँ। चाबी तो निकाल लिया हूँ, तो गाड़ी लॉक हो गई है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा खाली होने में। तो अभी फटाफट चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। बस स्टैंड है सामने में ही, जो कि झारसुगुड़ा का बस स्टैंड। देखो यहाँ पे पूरा कैरेट वैरेट पड़ा हुआ है। तो बस स्टैंड का चौक है वो, और यहीं पे सामने में नाश्ता दुकान है, तो यहीं पे नाश्ता कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया दुकान है। तो हाथ भी गंदा है मेरा, तो हैंड वॉश कर लेते हैं। उड़ीसा का बड़ा खाते हैं। अभी नाश्ता कर लिया और सामने में दिख रहा है ककड़ी का दुकान, मतलब ठेला लगाया भैया, तो ककड़ी ले लेते हैं और खाएंगे आराम से गाड़ी में बैठ के। क्या बेच रहे भैया? ककड़ी ना, ककड़ी है तो छोटा छोटा कटवाते हैं। इसको पार्सल करवा लेते, देख लो भैया नमक वमक डाल दिए हैं अच्छे से। भैया पार्सल कर दो इसको। तो अभी ले लिया हूँ और जा रहा हूँ अब गाड़ी के पास, और गाड़ी में तो अंगूर मेरा लोड होके आया ही था, तो फल फ्रूट कितना ही खाऊंगा। वहाँ भैया के पास एप्पल एप्पल सब चीज़ रखा हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं, नाश्ता हो गया है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से गाड़ी, 50 मीटर भी नहीं होगा। देखो बस स्टैंड और वो बिल्डिंग के जस्ट सामने में गोदाम है। ये गाड़ी के पास, वो देखो गाड़ी। बहुत तेज गर्मी हो गया, पूरा गाड़ी में उमस हो गया है, पूरा गर्मी लग रहा है। तो देख लो गाइस, गाड़ी खाली भी हो गई और कैरेट भी डाल दिया। मैं रस्सी वस्सी बांध दिया। देखो अभी हाथ धो के आ रहा हूँ, पूरा गीला है। अब निकलते हैं और देख लो, अभी टाइम हो गया 12:30। अब निकलते हैं तड़फड़ यहाँ से। तो मैं निकल रहा हूँ अब झारसुगुड़ा टाउन से। देखो गाइस, ऐसे ऐसे लोग उल्टा सीधा चलाते हैं। हेलमेट तो किसी के सर पे नहीं है यहाँ पर। हेलमेट क्या होता है शायद मालूम नहीं है। देखो मेरे सामने जा रहा है भिलाई का गाड़ी 307। देखो अपने भैया लोग मिल गए हैं यहाँ पे, बाबू भी है जो कि। अभी चलते हैं। तो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जो कल रात में लाइव एक्सीडेंट हुआ था, तो उतने टाइम मैं यहीं पर था। तो ये लाइव एक्सीडेंट है, कल रात में मैं यहीं रुका था, मैं देखा था यहाँ पर। सामने में टोल प्लाजा है, देखो 1 किलोमीटर का बोर्ड लगा है, तो मैं शॉर्टकट मारूंगा अभी। तो मैं जा रहा वीरा कुंड डैम वाले रास्ते से, टोल भी बच जाएगा अपना 60 रुपये वाला। और इधर से डैम भी देखते देखते चले जाऊंगा। क्या दिन में ज़्यादा गया नहीं हूँ मैं डैम में, रात ही में ज़्यादा पार हुआ हूँ। तो जैसे कि टोल, अब टोल से 1 किलोमीटर जस्ट पहले ही मुड़ना पड़ेगा। ये देखो रॉन्ग साइड आ गई, देखो टोल का बोर्ड भी लगा हुआ है 1 किलोमीटर का। ये भी रोड 1 नंबर है, पूरा रोड 1 नंबर है। मैं दिखाता हूँ आज आप लोगों को। अभी देख लो मैं पहुँच गया हूँ डैम के पास। देखो अभी डैम स्टार्ट हो गया, बहुत बड़ा डैम है ये हीराकुंड डैम। ये तो अभी थोड़ा सा हिस्सा है, अभी चलते हैं आगे।
चीज़ हाँ, ये रोड में बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, बड़ी गाड़ी अलाउ नहीं है, बस हम लोग का पिकअप चार चक्का गाड़ी आ सकता है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पानी नीचे में पानी छोड़े हैं, एक गेट है, कनाल, बहुत लोग नहा रहे हैं, मेरे को भी नहाने का मन तो हो रहा है, बट क्या करूं, मैं अकेला हूं बोलकर नहीं रोक सकता गाड़ी को। तो कौन कैसा रहता है ये कोई जान नहीं सकता किसी को, इसलिए मैं अकेले हूं, नहीं रुक सकता, मैं नहीं नहा सकता। मन तो बहुत कर रहा है नहाने का पानी देख के। तो डैम का रास्ता खत्म, अब यहाँ से सीधा संबलपुर निकलेंगे। यहाँ से जो संबलपुर का मेन जो हीराकुंड डैम है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। सोचो इतना यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ का पानी और डैम का पानी बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है, 40-50 किलोमीटर और ज्यादा ही होगा, पूरा फैला हुआ है पानी डैम के चक्कर में। अभी मैं सीधा सोयला ढाबा आ गया हूँ, सोयला पहुंच गया हूँ। यहाँ से बॉर्डर अब 10 किलोमीटर बचा होगा, ज्यादा लंबा तो नहीं है। और गाइस खाना भी खा लेते हैं, खाना भी नहीं खाया हूँ। देखो अपना लुक्कू ढाबा जहाँ मैं रुकता हूँ बॉर्डर के पास में, देखो एक गाड़ी और खड़ी है यहाँ पर, तो यहीं पर मैं छाए में ही गाड़ी को तिरछा ही खड़ा कर दिया हूँ। और देखते हैं, चलो कुछ खाते हैं, बहुत तेज भूख लगा हुआ है, खाऊंगा। देख लो इतना सारा चीज़, जीरा राइस है, अंडा भुजी है और रोटी है, देख लो इसे खाते हैं फटाफट। खाना खा लिया हूँ मैं, और क्या है ना कि मैं रात वहाँ सुबह 6 बजे पहुँचा था, और वही 6:40 को आके उठा दिया था पार्टी वाला। उसके बाद सूरज आ गया था, धूप निकल गया था, तो नींद तो आया नहीं मेरे को उसके बाद, तो अभी तक जगह ही हो रहा। अभी खाना वाना खाया हूँ भर पेट, तो फिर नींद लग रहा है हल्का हल्का। अभी 4:30-5 घंटे का और रास्ता है भिलाई अपना घर, तो चलाते हैं। अगर नींद आएगा तो थोड़ा रुक के चाय पियेंगे, एडजस्ट करेंगे, लेकिन घर चलते हैं और सुकून से सोएंगे आज। बॉर्डर भी आ गया है, छत्तीसगढ़ सीमा चालू हो जाएगा 1 किलोमीटर से। तो अभी तो 4 बज गया है और 8:30-9 बजे तक तो घर पहुंचने का कोशिश करूंगा, जल्दी पहुंच जाऊं। क्या है कि गाड़ी को कल धुलवाना भी जरूरी है, गाड़ी काफी ज्यादा गंदी हो गई है, देख के खुद अच्छा नहीं लगता है, खुद से धो लूंगा गाइस, आप लोग को वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी यहाँ से अपना भिलाई बचा है, लगभग 150 किलोमीटर बचा हुआ है, तो चलते हैं जहाँ तक गाड़ी चलेगी, चलाने पड़ेगा 150 किलोमीटर और चलते हैं मंडी में, फटाफट जाए कैरेट खाली करवाऊंगा। और बहुत तेज नींद आ रहा है मेरे को, आप लोग देख सकते हैं मेरा सर्कल। मंदिर और पहुंच गया हूँ रायपुर में, और टोल प्लाजा, बस टोल प्लाजा पार करूंगा, बहुत ज्यादा अभी ट्रैफिक जाम मिलेगा मेरे को। अभी क्या है, शाम का 7:00 बजा है, इसी कारण तो अभी 1 घंटा लगेगा अपने को पार करने में, 1.5 घंटा लग जाएगा, तो सीधा मंडी जाएंगे, कैरेट खाली करवाना है मेरे को। देखो भाई जाम लगा हुआ, इसमें डालते हैं। अभी और डीजल लूंगा, देख लो ब्लिंक कर रहा है, डीजल पूरा खत्म हो गया है। तो ये देखो टंकी है, अभी रायपुर के ललित महल के सामने में ही है। जाते थे मैं फुल नहीं करवाया था, मैं डलवाया था 4,000 का, 1,000 का और डलवा देते हैं, 5,000 का हो जाएगा, कोई नहीं गया इधर काउंट। और मैं बता दूं आप लोगों, मेरा भाड़ा था 11,000 रुपये का, और टोल वोल लगा जो भी लगा बहुत लगता है टोल में, पिछले वीडियो में जाकर देखना टोल कितना लगा था मेरा। अभी डीजल डलवाते हैं पहले 1,000 का, फिर निकलते हैं। तो अपना डीजल हो गया अभी 1,000 का, और अब सीधा चलते हैं भिलाई। देखो गाइस ब्लिंक बंद हो गया, तो गाइस देख लो आ गया हूँ मैं अपना भिलाई, क्रॉस ब्रिज है ये, तो मंडी आ गया हूँ मैं। और फटाफट अभी कैरेट को खाली करवाते हैं, देखो गाइस जहाँ से लोड हुआ था वहीं पर आ गया हूँ मैं, यहीं पर लोड हुआ था मेरा, देख लो गेट। अभी फटाफट कैरेट को खाली कराते हैं, मैं रस्सी वस्सी खोलता हूँ। तो ये देखो गाइस यहाँ पे भाई रस्सी तिरपाल कर रहे हैं, अपनी वाली गाड़ी लोड है, जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ जा रहे हो? क्योंझर। तो भाई क्योंझर जा रहे हैं?
भैया तो जानते हैं लोग कुछ ये बात ही तो देख लो भाई, दोनों भाई, मोटा भाई और वो मेरा बड़ा भाई, रस्सी तिरपाल कर रहे हैं। देखो देहाती जाते दिख रहा और परफ्यूम भी मार के आया भाई, सुरमा भी लगाया सुरमा। तो देखो गाइस पूरा कैरेट खाली हो गया मेरे गाड़ी का,